भैया अगर आपसे एनएचपीसी जेई के फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो गई है जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें करेक्शन करने का तरीका बताने वाला हूं। अब आप ये सोचे होंगे कि भैया जब नोटिफिकेशन कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है करेक्शन से रिलेटेड, आपने भी इसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा और मैंने भी देख लिया है, नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दे रखी कि आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं ये जो जानकारी आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भैया मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल किया था 2 से 3 बार, तो मुझे जो जानकारी मिली है करेक्शन से रिलेटेड वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो भैया जब मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल किया और मैंने इनसे पूछा कि भैया अगर मेरे से किसी फॉर्म में मिस्टेक हो गई या फिर मान लीजिए कि मेरे ही फॉर्म में मिस्टेक हो गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो मुझे उसमें करेक्शन कैसे करना है, क्या कोई करेक्शन का तरीका इसके लिए मेरे पास अवेलेबल है, या फिर मेरा आगे का भविष्य है जो इससे रिलेटेड वो बर्बाद हो जाएगा या फिर मैं इसमें भर्ती नहीं देख पाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि भैया अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो गई है तो आप सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है, आपको नई ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर सेम रखना है जो आपने पुराना रजिस्ट्रेशन किया है। आप सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन कर दें और दोबारा से पूरे फॉर्म को फिल कर दें अच्छे से, लेकिन आपको देख लेना है फिर से कोई गलती ना हो जाए और फॉर्म को सबमिट कर दें। इससे क्या होगा, आपका नया वाला फॉर्म मान कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया पुराना वाला फॉर्म क्या मेरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे उससे करना क्या है, मुझे तो मेरे नए फॉर्म से मतलब है कि भैया मेरा नया फॉर्म एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, मैं उसके लिए पेपर दे लूँ। तो मैंने उनसे साफ साफ ये बोला कि भैया ऐसा तो नहीं है कि मेरा पुराना फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए और नया फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए डुप्लीकेट फॉर्म के केस में। तो उन्होंने साफ साफ ऐसा बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सिंपली एक नया फॉर्म फिल कर दीजिए, बस आपने जो फीस कटवाई होगी वो अमाउंट आपको दोबारा से कटवानी पड़ेगी, आपकी जो पुरानी कटी हुई फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी ना ही उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो अगर आप भी इसके लिए फीस कटवा सकते हैं दोबारा, वैसे ज़्यादा इसमें कोई फीस नहीं लग रही है, काफ़ी लोगों का तो इसमें फ्री में भी फॉर्म भर जाएगा। तो अगर आप भी इसके लिए फीस कटवा सकते हैं तो आप सिंपली एक नया फॉर्म भर सकते हैं, वैसे इसमें कोई करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप सिंपल तरीके से एक नया फॉर्म भर सकते हैं जो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अभी मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और थोड़ी और डिटेल में जानकारी दे देता हूँ, साथ में इसके कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी भी दे देता हूँ। तो दोस्तों जब आप इसके फॉर्म भरने के लिए लॉग इन करेंगे तो आपके सामने ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखकर आते हैं, जहाँ पर सेकंड पॉइंट में हाउ टू अप्लाई वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर सेकंड पॉइंट में साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर कैंडिडेट शुड टेक आउट मोस्ट केयर ऑफ फर्निशिंग प्रोवाइडिंग द करेक्ट डिटेल्स व्हाइल फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको बिल्कुल करेक्ट डिटेल डालनी है और आप एडिट भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को जब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता। लेकिन अगर एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद इसमें एडिट करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि भैया अगर आपने फीस कटवा दी है और आपको उसके बाद पता चला है कि भैया इसमें करेक्शन करवाना है आपको, तो आप सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर सेम रखना है पुराना वाला ही, लेकिन ईमेल आईडी बदल देनी है, ऐसा मुझे उनके कस्टमर केयर ने खुद बोला है। आप चाहे तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दे रखा है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेल आईडी भी दे रखी है। फिर भी आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए।